दोसांझ वाला दिलजीत दोसांझ दी रेसिपीज नू उन्हां दे फैंस बेहद पसंद कर रहे ने। एना ही नहीं, दिलजीत दी रेसिपीज लई उन्हां दे फैंस बेसब्री नाल इंतजार भी करदे ने। पर इस बार वो लंबे समय तो बाद एक नवी रेसिपी लेके आए ने। आओ वेखिए दिलजीत ने लंबे समय तक किथे बिजी सन ते उन्हां दी किचन च की बन रहा है। बड़े दिनों के बाद, although I don't like asafoetida जो मुझे यहाँ मिली है, it's not in a good shape. It's okay. वो मेरे पास इंडिया थी, वो बहुत अच्छी थी. Anyhow, so जीरा और राइस, बड़े दिनों के बाद आज ये मोहब्बत करने जा रहे हैं। गाना तो थोड़ा उदास है पंकज उदास जी का, लेकिन हम बिल्कुल उदास नहीं होंगे। आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे भूख लगी है, बहुत देर बाद मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, सांस भी चढ़ गई है। मेरे पास सब्जी मसाला भी है, चिकन मसाला भी है, मीट मसाला भी है, तो बनाने में जा रहा हूँ सिर्फ आलू। तो आप मुझे बताना कि अगर मैं आलुओं में चिकन मसाला या मीट मसाला डाल लूँ तो ये कहीं नॉन वेज आलू तो नहीं बन जाएंगे? रादर देन मैं सब्जी मसाला ही डाल के इसको सब्जी वेजी आलू बनाऊं, आप मुझे प्लीज बताएं। अगर आप सो चुके हैं तो सो जाएं। गाइस, हमारी जो कढ़ाई है, आप कढ़ाई कह लें, इस पे डंडा लगा हुआ है लंबा सा, ऐसे ऐसे डंडे जो लगे होते हैं उसको भी कढ़ाई बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हैं, फ्राई पैन बोलते हैं, फ्राई पैन थोड़ा छोटा होता है। सो चलो हम ले दे के इसको कढ़ाई लगा लेते हैं। तो हमारे पास कढ़ाई है, हमारे पास तेल है, ये किसी कंपनी के फिर मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है ये कौन सी, ये प्योर ग्रेप सीड ऑयल है। मैं ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि मैं कुछ ऐसा साउंड कर रहा हूं जैसे मैंने दारू पी रखी है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल दारू नहीं पीता हूं, आज तक मैंने दारू नहीं पी है, और हर दारू पीने वाला यही कहता है कि मैंने दारू नहीं पिया, लेकिन मैंने नहीं पिया। मैं कुछ 10 दिन से रेस्ट कर रहा हूं और गा रहा हूं गाने हर रोज हर रोज, तो थोड़ा गला खराब है। ओके, तो मैंने 5 टमाटरों की पचूरी बना ली है और इसमें एक मिर्च भी सीट के उसको भी कड़चुंबर कर दिया है। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, कितना अच्छा लग रहा है सब। आज मैं काफी दिनों बाद, मैं थोड़ा एल्बम में बिजी हो गया था, आप लोगों को खुशी होगी जानकर के एल्बम के ऑलमोस्ट गाने हो गए हैं, कुछ एक दो गाने रह गए, दो गाने कुछ रह गए, बाकी जो मैं अभी भी उनकी कहते भाल जारी है, तो बाकी ऑलमोस्ट कुछ डानी है। सो उसके में सारा ध्यान मेरा उधर था। सो गाइज, आज दोसांझ वाला बैक इन एक्शन इन किचन ब्रो। गाइज, आलू उबल चुके हैं, उधर सब सामान तैयार है, बस आप मेरे साथ बने रहे। ओवर एंड आउट। और मैं आज बहुत नर्वस हो रहा हूँ, बहुत दिनों बाद, जैसे मैं स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होता हूँ, आज मुझे ऐसी ही नर्वसनेस हो रही है। क्या मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल शेफ बन गया हूँ? आप अपना विचार जरूर दें, मुझे नहीं ऐसा लगता। एनी हाउ, मीठी पाव। सो गाइज, मैं क्या कह रहा था, पहले आग लगा लेते हैं, लेकिन सही जगह पर, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, आग लगाओ हमेशा सही जगह पर लगाओ। सो गाइज, इस बार आपको एल्बम में कुछ नई कोलैबोरेशंस भी सुनने को मिलेंगी, आप थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं। यस गाइज, यस, थोड़ी थोड़ी खबरें मैं लीक करता रहूंगा। ओके गाइज, अब ये पता नहीं है यूज भी होता है ऐसे बनाने में कि नहीं, मुझे ये मिल गया है तो मैं ये अब इसमें सीट दूंगा। पहले जैसे आपको पता ही है, जो सब्जियों का सरताज है जीरा, वो पहले जाएगा इसमें। किसी मैंने इसमें हींग सीट दी है। रुत है मिलन की साथी मेरे आ रहे, ये देखो कैसे मेल मिलाप हो रहे हैं इनका। टर्मरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, टर्मरिक आप सीट दें, मुझे मिल गई है टर्मरिक, मैं सीट दी है इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी सीट दें तो धन धन हो जाएगी गाइस। ये सैड को क्यों चल गया है सारा तेल, मुझे लगता है थोड़ा चूल्हे में फर्क है। एनी हाउ, आप इसको पका लो, थोड़ी सी आग तेज करें, थोड़ी सी, लिटल बिट। अदरक को सीट दिया है मैंने और अदरक ने जाते ही तड़थली मचा दी है, पड़पड़ने स्टार्ट है। थोड़ा सा इसको दूर हो जाए आप और इसका आग थोड़ी कम कर दें। यस, टमाटर डाला तो जाके पड़पड़ने स्टार्ट, जो शांत हुई, सॉरी स्टार्ट तो पहले हो गई थी, शांत हो गई पड़पड़नेस। अब हम थोड़ा आराम आराम से चीजें डालेंगे इसमें। आपको टमाटर की जरूरत नहीं थी, अगर आपने सिर्फ सूखे आलू बनाने हैं, आलू जीरा टाइप्स, तो आपको टमाटर भी नहीं लगेगा, आपको कांधा भी नहीं लगेगा। मैंने सही बोला ना, कांधा, यस। सो गंडा भी नहीं लगेगा सर आपको, और आपको टमाटो भी नहीं लगेगा, लेकिन मैंने, मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने टमाटर डाल लिए हैं, और गंडों से मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ, क्योंकि गंडा काट रहे वक्त ना महाराज पता नहीं पानी मतलब कैसे आंखों से आता है, तपक तपक आ जाता है। ले अभी मसाले खाते हैं, बड़ा टाइम हो गया सी अज, ते लाल मिर्ची भी हमने इसमें सीट ली है, पूरा अंग अंग अज ना, मैं पूरे अंग अंग से मेरे ना आज फड़काहट निकले, फड़काहटनेस निकलने वाली है। मेजर कन्वर्सेशन, मेजर डिसीजन कि इनमें से कौन सा डालें, ये डालें तो मीट आलू बन जाएंगे, ये डालें तो चिकन आलू बन जाएंगे, ये डालेंगे तो सब्जी आलू बन जाएंगे। सो व्हाट आई प्रेफर कि मैं सब्जी मसाला डालूं।
बड़ी खुशी हो रही है मुझे देखकर, ये देखिए कैसी पड़पड़नेस जो है ना, आई लव, मैं मिस कर रहा था एक्चुअली इंडियन फूड, मैं मिस कर रहा था। कल रात मैंने पिज्ज़ा खा लिया, कल रात से चीटिंग चल रही है एक्चुअली, सो लेकिन अभी मेरा मन कर रहा था तो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी पेश है। सो इस लास्ट मैंने इसमें क्या डाला था, ओ शिट गाइस, मैं आपकी बात करते करते भूल गया, मैंने इसमें शायद लाल मिर्ची, यस मिर्ची डाली थी लाल, जो अंग अंग फड़का देगी, अंग लगा दे मुझे, रंग लगा दे रे। सो अब इसके बाद इसको थोड़ा काठा होने देते हैं, अभी ये ना बिल्कुल काठा हो जाएगा, तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये टमाटो बिल्कुल अलग हो जाएगा, सो थोड़ा वेट करें, वी हैव अ टाइम गाइस। लेफ्ट कसूरी मेथी, हले लून पौड़ाया, हले गर्म मसाला पौड़ाया, हले आमचूर पौड़ाया, उसके बाद इसमें डलेगा ये घर पे ही लगा हुआ है हमारे धनिया, तो धनिया बाद में हम भूकेंगे बिल्कुल एंड में। मसाला हमारा हो गया है, पिछली मैं वीडियो देख रहा था, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया, वो उसमें मैंने जीरा और राइस बोल दिया, जीरा और एस्पोडीटा बोला था, बहुत दिनों से बोला नहीं ना तो मुंह में नहीं आ रहा था वो वर्ड इंग्लिश का एस्पोडीटा, सो जीरा और एस्पोडीटा भी इसमें पूरे अब अपनी चरम सीमा पर है, उनका मोहब्बत बिल्कुल नौवें आसमान पर पहुंच चुकी है। अब हम इसमें पोटैटो सीड देंगे, ऐसे उबले हुए आलू आप इसमें उड़ा दें, ओके Okay guys, crush करके मैंने इसमें कसूरी मेथी भी सीट दी है, look at this beauty guys, I need my spoon right now, although अभी नहीं, अभी पूरा बना नहीं है, अभी मैं इसको अभी एक दो मसाले और डालने हैं इसमें, अभी इसको ज्यादा नहीं पकाना, दो तीन मिनट में बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्जी। Okay guys, बिल्कुल रेडी हो गया है, नमक गरम मसाला और आमचूर मैंने इसमें भूख दिया है और ये ऑलमोस्ट रेडी है, आलू तो पहले से ही बने हुए हैं।